बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद इस्माइल आपको अपने चैनल के अंदर खुश आमदीद कहता हूँ। जिन लोगों के जिस्म के अंदर गर्मी हो और गर्मी की ज़्यादती की वजह से वो मैदे के मसाइल की वजह से परेशान हों, कब्ज़ का मसला हो, पेशाब के अंदर जलन का मसला हो, ठीक तरीके से क़ज़ाए हाजत न होती हो, हाई ब्लड प्रेशर का मसला हो, या पाँव के अंदर या हाथों के अंदर जलन के ज़्यादा होने का मसला हो, तो ये सारे के सारे मसाइल इंशाअल्लाह ताला इस एक नुस्खे से मुकम्मल तौर पर हल हो जाएंगे। जितने भी गर्मी के मरीज़ हैं और गर्मी की वजह से उनको मेदे के या दीगर मसाइल हैं जो मैंने बताए, तो वो सिर्फ इस एक नुस्खे को बनाकर इस्तेमाल करेंगे, इंशाअल्लाह ताला गर्मी भी ख़त्म हो जाएगी और गर्मी की वजह से मैदे का मसला हो, पेट के बढ़ जाने का मसला हो, हाई ब्लड प्रेशर का मसला हो या दीगर मसाइल हो, इंशाअल्लाह ताला वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएंगे। तो बहुत ही आसान, बेहतरीन और लाजवाब नुस्खा है, ज़रूर इसको बनाकर इस्तेमाल कीजिएगा। तफसील में जाने से पहले आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी वाले बटन पर ज़रूर क्लिक करें। अगर कोई दोस्त मुझसे राब्ता करना चाहता है तो सामने ये नंबर शो रहे हैं, सिर्फ मेरे यही तीन नंबर्स हैं, इसके अलावा मेरा कोई नंबर नहीं है। अगर आपने मुझसे राब्ता करना हो, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, मुझे जैसे ही वक्त मिलेगा मैं इंशाअल्लाह ताला जल्द अज़ जल्द आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। नुस्खा सुन भी लीजिए और साथ में लिख भी लीजिए। जो जो चीज़ें आपको दरकार हैं उसमें नंबर एक ज़ीरा सफ़ेद, नंबर दो सजी खार, नंबर तीन जोखार, नंबर चार सौंफ, नंबर पाँच सुहागा बिरियाँ, इसको बिरिया कर लेना है, कई वीडियोस के अंदर मैंने इसका तरीका बताया है, नंबर छः कशनेज, नंबर सात दाना इलायची खुर्द, नंबर आठ दाना इलायची कला। तो ये आपने सारी चीज़ें ले लेनी है और आपने इसके अंदर शक्कर भी ऐड कर सकते हैं और जिनको शुगर का मसला हो वो उसके बगैर इसको बना लें। अच्छे तरीके से इसका आपने सफूफ कर लेना है और सुबह दोपहर शाम चने के दाने के बराबर खाने के साथ, खाने के बाद पानी के साथ आपने इस्तेमाल करना है तीन टाइम, सुबह दोपहर शाम। इंशाअल्लाह ताला चंद दिन इसको लगातार इस्तेमाल करने के बाद आपकी ये मसाइल मुकम्मल तौर पर हल हो जाएंगे। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाअल्लाह ताला जल्द एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, शुक्रिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।